हेलो एवरीवन, बोले तो ट्रिपल आर एंड मैदान मूवी को लेकर डिस्कस करेंगे क्योंकि इसका कनेक्शन है हमारे बॉलीवुड के सिंगम बोले तो अजय देवगन से। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइज, आज से 2 महीना पहले मैदान मूवी का रिलीज डेट 15 अक्टूबर, जो कि अजय देवगन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जो घोषणा किया था दोस्तों, लेकिन शॉकिंग हो गया यहाँ पर न्यूज़ डाल के कि RR का बोले तो यार 13 अक्टूबर रिलीज डेट आ चुका है। तो दोस्तों बोले तो यार ये एक शॉकिंग न्यूज़ हो गया क्योंकि मैदान मूवी उसके 2 दिन बाद तो रिलीज नहीं होगा। कोई भी चाहेगा कि हमारी मूवी को अच्छा वीकेंड मिले, और उस वक्त अच्छा वीकेंड है, 13 तारीख बुधवार को पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है 5 दिन का वीकेंड मिल रहा है दोस्तों, तो ये मूवी कहीं ना कहीं धमाल करेगी। और इस सिचुएशन में अगर जो सिचुएशन अभी चल रहा है दोस्तों, उस हिसाब से तो मूवी का बवाल करना, सिंगल स्क्रीन पर आना या मल्टीप्लेक्स पर आना, बोले तो वो सिंगल सोलो रिलीज ही होगा तो बवाल मचा सकता है दोस्तों। लेकिन मैदान मूवी भी बहुत बड़ी मूवी है दोस्तों, बोनी कपूर इसमें एक कोच का कैरेक्टर में है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है ये मूवी तो पोस्टपोन होनी ही होनी है। तो आपको बता दूं कि ये ऑलरेडी प्लान हो चुका है कि ये मूवी को पोस्टपोन किया जाएगा, और इतनी बड़ी फिल्म है जो कि क्लैश नहीं हो सकती, क्योंकि एक दोनों फिल्मों में अजय देवगन है, और अजय देवगन कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी दो फिल्में जो कि बॉक्स ऑफिस पर लगातार रिलीज हो, वो भी एक हफ्ते का गैप नहीं, मतलब तो एक 2 दिन का गैप होगा। तो गाइस बोले तो यह प्लान हो रहा है कि ये मूवी अब पोस्टपोन होगी, तो जाहिर सी बात है दोस्तों पोस्टपोन होना तो तय ही है, और मैं तो चाहता हूँ कि पोस्टपोन जरूर हो, क्योंकि इतनी बड़ी फिल्में अगर क्लैश होती है तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि RRR राजामौली का बोले तो यार पिक्चर है, जूनियर NTR बोले तो रामचरण, यार फाड़ू मूवी होगी ये। तो गाइस आप लोग कितने एक्साइटेड हो ये 2 फिल्मों को लेकर, आप कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं क्या ये डिसीजन सही रहेगा कि पोस्टपोन हो जाए, इस पर भी आप अपना बात लिख सकते हैं दोस्तों। बस भाई इतना ही बोलूँगा, सुपर है अजय देवगन की मैदान भी और RR भी, जब भी आएगी दोनों मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छी कमाल करेगी। तो बस भाई इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।